हाँ सर, देश बेरोजगारी से कराह रहा है, वही बिहार ने देश को एक रास्ता दिखाया। 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के दृढ़ इच्छा शक्ति को ध्यान में रखते हुए पालन की गई। गांव गांव में उल्लास का, हर्ष का वातावरण कायम हो गया। यह सड़कों पर रोजगार के लेकर करके लोग पीटे जा रहे थे, वहां उनको राहत की खबर ने कहीं न कहीं एक उत्साह का संचार पैदा कर दिया। देश महंगाई और बेरोजगारी से कराह रहा है, वर्तमान सरकार देश के उपक्रमों को बेच रही है। 2,50,000 करोड़ अपने पूंजीपति मित्रों को दान दे दिया, और इन परिस्थितियों में अब कल्पना कर लीजिए कि अगर देश के युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया, महंगाई पर लगाम नहीं लगाया गया, देश कहाँ जाएगा। देश ने परिवर्तन का रास्ता तैयार किया है। बिहार उसका एक पहला पड़ाव जिसकी शुरुआत की गई, जहां चारों तरफ भय के वातावरण में विपक्षी पार्टियों को ईडीआईटी और सीबीआई से हमले किए जाने के बाबत भी जो दिखाई है राह बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में, वो मील का पत्थर साबित होगा परिवर्तन के रास्ते पर। और देश बदलाव चाह रहा है, संवैधानिक संकट है देश के अंदर, धार्मिक उन्माद भाषाई आतंक के सहारे देश की गंगा जमुनी तहजीब को तार तार करने के निरंतर प्रयास ने समाज में जहर घोलने का काम किया। भाजपा में 2 मित्र ऐसे हैं जो देश को बेचने पर आमदा है, 2 मित्र उनके ऐसे हैं जो खरीदने पर आमदा है। सवाल, देश के लोग जाएंगे कहां? अर्थव्यवस्था करा रही है, चीन आखतरे हुए भारत की सीमा में घुस करके इमारतें बना रही है, 56 इंच का सीना सिकुड़ करके जवाब दे चुका है कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। भाजपा के अंदर बेचैनी है बिहार की राजनीतिक घटना के बाद, और भाजपा के अंदर भी कोहराम है, भाजपा भी विखंडित होगा। कई उनके नेता देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व को स्वीकारने के लिए तैयार अब नहीं है। देश की मफूजियत, लोकतंत्र की मफूजियत देश की आवाम का पहला मूल मंत्र है। लोकतंत्र महफूज रहेगा तो हम कुछ सर्वांगीण विकास की बात करेंगे, महंगाई पर लगाम की बात करेंगे, लेकिन आज बेलगाम लोग देश पर थोपना चाहते, अग्निवीर थोप दिया। लोग करा रहे हैं सेना को भी ठेके पे। ऐसे परिस्थितियों में नीतीश कुमार जी ने जो बीड़ा उठाई है, राह दिखाई है देश को, निडरता के साथ स्वच्छ छवि को लेकर के आगे अनुभवी होने का पूरी सारी चीजें इनके अंदर विद्यमान है। अनुभवी मुख्यमंत्री हैं, देश चलाए हैं, सही पोलिटिकल पार्टी जो गैर भाजपा है, सब लोग मिलकर के इनको बल दे रहे हैं। भाजपा बौखलाहट के कारण तिलमिला रही है, कई हमले कर रहे हैं। अरे भाजपा तो गंगोत्री बन गई है इन दिनों, जितने भ्रष्टाचारी तथा कथित इनाम देते हैं इनके यहाँ जाते हैं क्लीन हो जाते हैं। कन्विक्शन रेट देखिए ना ईडी का, भाई मत 0.5 है। इन परिस्थितियों में देश जो परिवर्तन चाह रहा है उसमें बल देने के लिए नीतीश जी ने एक राजनीतिक निर्णय लिया है। भाजपा को बिहार में मिट्टी नसीब नहीं होगा, डबल अंक तो नहीं जाएगी। लड़े लुल्ले लोगों को बैसाखी देकर के भाजपा अर्थ की बैसाखी देकर के कुछ लोगों को आगे बढ़ा भी रही है, अपना बीटीम तैयार कर रही है, जिनको पूजा कराना चाहिए, जिनको वृत्ति करनी चाहिए, अब वृत्ति छोड़ करके अब लंगड़ा लुल्हा गठबंधन के लिए तैयार हो रहे हैं।